तो जैसे कि तुम्हें याद होगा, हमारी पिछली वाली वीडियो में हम ढोलकपुर में एंटर कर चुके थे, और एंटर करने के बाद हमें दो मुर्गी मिली थी, जिसमें से एक छोटी और एक बड़ी थी। हमने बड़ी वाली को मार दिया था और उसके बाद छोटी वाली को भी मार दिया था, और उसके बाद हमें एक परफेक्ट जगह मिल चुकी थी जिसपे हमने थोड़ा बहुत अपने घर का बेस बना दिया था, और आज हम उसी घर को आगे बनाएंगे। तो अब तुम सोच रहे होंगे हमारा जो पीछे घर है वो कैसे खड़ा हुआ और हमारे पास ये वाला आर्मर कहाँ से आया। तो मैंने 10 मिनट के लिए तुम्हारे पीछे से ये गेम खेली थी, और उसमें मैंने क्या करा, बहुत सारी डर्ट इकट्ठी करके घर बना दिया, जिसके बाद हो गई थी रात काम करते करते, तो मेरे पीछे पड़ गया एक ज़ॉम्बी जिसको मार के मैंने जैकेट हासिल कर ली। अच्छा बहन, तो यहाँ से हमारी गेम स्टार्ट होती है फिर। और एक बार तुम्हें अंदर से घर भी दिखा देता हूँ। देखो, एक तो रात होने वाली है, सूरज पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ढल चुका है, और तुम्हें अब रूम टूर देता हूँ अपना छोटा सा। तो यहाँ से हम अंदर गए और ये घर खत्म। तो हमने फुल अपनी स्टोन एक्स बना ली है, जिससे हम आसानी से लकड़ी काट सकते हैं। तो फुल चलते हैं जंगल की तरफ। आज तो सारे पेड़ काट डालूंगा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रन बहुत बुरे लग रहे हो। तो ये पहुंच चुके हैं हम अपने पेड़ की तरफ, और ये हमारी पेड़ की कटाई हो गई चालू। एक पेड़ तो हमने खाली कर दिया पूरा, और खाया दूसरा पेड़ खाया। अबे आते जाओ लाइन में, सबको काटता जाऊंगा। अच्छा, तो हमने ठीक ठाक अमाउंट में अपनी लकड़ियाँ तो इकट्ठी कर ली है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं घर की तरफ, और घर की तरफ जाके हम बनाते हैं फेंसिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार फिर से क्रीपर आके पूरा घर का सारा तामझाम इधर का उधर हो जाए। फिर यार एक बकेट नहीं है, नहीं तो ना गाय का दूध निकाल देता मैं। तो अब हमें बनानी है अपनी फेंस, ताकि अगली बार से कोई क्रीपर घुस ना जाए इतनी बुरी तरह। तो हम ओक फेंस बनाएंगे, ये थोड़ी डार्क सी कलर की होती है, बस इतनी बहुत है वैसे। तो यहाँ से हम अपनी बनानी स्टार्ट कर रहे हैं बाउंड्री। तो यार फेंसिंग के लिए हमारे पास इधर का प्लेटफॉर्म तो है नहीं, तो सबसे पहले डर्ट इकट्ठी करके इधर का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। और रात भी होने वाली है, सूरज ढलता जा रहा है, और एक विलेजर आया। एक सेकेंड, विलेजर क्या देगा ये, हमें कुछ देगा क्या? एक सेकेंड, हाँ अभी छुपका रहा है तू, इधर देखना, इधर देख, मेरे को तेरे ट्रेड करना। तो ये एमरल्ड के बदले एक देगा हमें क्या, ये पम्पकिन, आई थिंक पम्पकिन है, हाँ पम्पकिन मशरूम, और ये पत्ती वगैरह पता नहीं क्या क्या। तो अभी हमारे पास एक भी एमरल्ड नहीं है, तो इससे ट्रेडिंग करने कुछ मतलब बनता नहीं है। छीने चपटी कर देगा सारा सामान लेके भग जाए। तो यार हमें बनाना था शोवल, लेकिन हमारे पास शोवल बनाने के लिए कोबाल्ट स्टोन तो है नहीं, तो सबसे पहले तो माइनिंग करने चल रहे हैं। और हमारी केव जो थी यहाँ थी, उधर देखो कितनी डार्क डार्क सी केव है, वहाँ ना जाके ना हम यहीं जाएंगे। आई थिंक ये वही वाली है जिसमें पहले गया था, इसमें टॉर्च लगा रखी है मैंने, हाँ ये वही वाली है टॉर्च एरी। और इसमें हमारे पास कोल भी मिल जाएगा, तो कोल भी ले लेते हैं, और साथ ही साथ कोबाल्ट स्टोन भी ले लेंगे। तो हम यहाँ से खोदते हुए चलते हैं नीचे नीचे, ऐसे पूरा प्लेटफॉर्म ले जाएंगे फाड़ते हुए। तो अभी हमें जितनी ज़रूरत थी हमने उतने कोबाल्ट स्टोन ले लिया, और अब जा रहे हैं सीधा घर की तरफ, क्योंकि अब बनाएंगे शोवल। और शोवल बनाने के बाद ये जितना भी एरिया देख रहे हो ना, उल्टा सीधा से ये हो चुका है उस फटने से क्रीपर के, उसको ठीक करना है पहले। तो यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आज का जो हमारा शाउट आउट जाता है वो जाता है उन्नीव गेमर को। अब सॉरी यार अगर मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट शाउट आउट टू यू। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमने बहुत सारे जो डर्ट है वो इकट्ठी कर ली है, तो सबसे पहले तो अपने यहाँ वाले जो एरिया है ना इसको सपाट करते हैं, ताकि हम यहाँ से फेंसिंग आराम से कर सकें। काफ़ी सारे फेंस बन चुके हैं, डोर मैं अपना लगाऊंगा यहाँ पे फुल बातचीत वाला, ये रख दिया हमने डोर, और बाकी फेंसिंग हम यहाँ से पूरी कवर कर देंगे। तो हमने फाइनली अपनी फेंसिंग कर ली है उस क्रीपर के बाद, और अपना घर कुछ अब इस तरीके का लग रहा है फेंसिंग के बाद। मुझे पता है दोनों के कलर अलग अलग है फेंसों के, लेकिन हमें पूरी प्रोटेक्शन करेगा ये। तो अब आओ क्रीपर्स, कौन घुसेगा पहले। और हमने ये लैडर भी बनाई थी, तो ऊपर जाने के लिए यहाँ लगा देते हैं हम अपनी लैडर, तो इतनी लैडर काफ़ी होगी। तो मैंने 6 बना ली है, वैसे तो 4 भी काम हो गए हैं, तो आराम से हमारा। ये देखो लक बाय चांस, अगर गर्मी का मौसम हो, नीचे मच्छर काट रहे हो, और बाहर चल रही हो ठंडी ठंडी हवा, तो हम छत पे आके सोएंगे फुल आलीशान खटिया बिछा के कुछ इस तरीके से। यार अभी रात नहीं हो रही, तो मैं सो के दिखाता हूँ। तो हम बना लेंगे ग्लास प्लेन। तो हम ग्लास प्लेन से ये जो चीज़ है ना, ये क्यूब के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि क्यूब में तो बड़ा गंदा सा हिसाब हो जाता है थोड़ा। तो ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन हमारी विंडो। एक काम करते हैं इस साइड भी खोल देते हैं एक बड़ी सी विंडो,
वैसे अच्छी लग रही है इतनी बड़ी विंडो। तो जैसे कि तुम देख सकते हो ये हमारी हो चुकी है रात, वो भी एकदम अंधेरी वाली। और अपने फैंस का एक बार कमाल देख लेते हैं जो हमने इतनी मेहनत करके दिन में बनाए। कि क्रीपर्स अंदर तो नहीं आ जाएंगे फिर से? ये देखो ये एक आया क्रीपर, आ जा आ जा ज़ॉम्बी अंदर आ। आएगा क्या? ले खोलूँ सर, ले 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 ले। अबे सही में आ गया ये तो, मैं तो सोचा खोलते ही बंद कर दूंगा तो सच्ची में घुस गया। तो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो बाहर हो चुकी है बहुत भयंकर वाली रात, और हमारे जो ढोलकपुर में छोटा भीम है इसको आ रही है नींद, साथ में मेरे को भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो आज की वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। और आज वैसे हमने करा क्या क्या, आज सबसे पहले तो हमने थोड़ी सी माइनिंग करी अपनी केव में जाके, और हमारा जो अपना घर फूट गया था क्रीपर की वजह से उसको भी रिपेयर करा, और अगली बार के लिए हमने उसके लिए कर दिया फेंसिंग ताकि अगली बार कोई क्रीपर घुस ना जाए। अब घुस गया ना जिंदा नहीं बचेगा फिर वो। तो अब मिलते हैं सीधा अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करना अगली वाली वीडियो में, बहुत सारे शाउट आउट मिलेंगे नहीं तो। ठीक है, बाय बाय।